तो गाइस ये छोटा पीस है हमारे पास, ये फोर्ड मॉडल है और ये भी जो है ना स्टेयरिंग से घूमता है। और इसके पीछे बड़े पहिए लगे हुए हैं, एक बड़ा पहिया ये है और पीछे की तरफ जो है इसके ये ट्रॉली लगाने का है हमारे पास। ये कील लगी मुड़ी हुई है, इसमें आराम से हमारी ये ट्रॉली है या ये इसकी ट्रॉली है तो ये लग जाती है इसमें बड़े आराम से यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये फिर चलता है। और फिलहाल ट्रॉली में जो पहिया लगे हुए नहीं है क्योंकि अभी जो है काम चल रहा है इन पर, तो फिलहाल अभी इस पर ट्रॉली है हाफ तैयार, इसमें पहिए लगे नहीं रहे हुए हैं, कलर करके हमने रखी हुई थी इनको। और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास फोर्ड मॉडल है और ये है महिंद्रा मॉडल, ये भी जो है हमारे पास स्टेयरिंग से है और इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है और ये देखिए फिल्टर लगा हुआ है इन पे। और ये भी है हमारा स्वराज, ये हमारा स्वराज है और ये हमारा एड्रेस है गंगू, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। और ये है हमारे पास नंबर हमारा सेकंड वाला 9690058045, ये हमारा नंबर है। और उसके बाद हम आते हैं अपने बड़े ट्रैक्टर पे जिससे हमने शुरुआत की थी। तो ये है हमारा बड़ा ट्रैक्टर जो कि ये है आयसर 365 मॉडल, और ये भी हमारा जो स्टेयरिंग से घूमता है। और इसके जो है ना थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका थोड़ा सा ट्रॉली भी इसके साथ हमने बड़ी दी हुई है। तो ये इसका जो होल है इसमें हम यहाँ पे कील वाला सिस्टम नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने देखिए ये जो पेंच है वो दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसमें पेंच लगेगा, ऊपर से डिबली चढ़ जाएगी। और पीछे इसके जो ट्रैक्टर के पीछे जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर हम इसको पलटते हैं तो ये जो होल दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ लग के ये ट्रॉली इसमें जुड़ जाती है और यहाँ पे इसमें सीधा ऐसे करके ये पेंच जो है डल जाता है, ये डल गया है पेंच, ठीक है ना। और नीचे से डिबली चढ़ जाती है तो ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं अपने इसको ऐसे रख देते हैं और ये हमारी ट्रॉली है और ये आता है हमारा स्वराज मॉडल। बाकी है यही रेट सबके जो है, रेट एक ही है, बस मॉडल थोड़ा चेंज है क्योंकि सब अपना मॉडल के हिसाब से मांगते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मॉडल के हिसाब से मांगते हैं, जैसे कि ये स्वराज है, एक और महिंद्रा है और वो है आयसर, तो ये तीन मॉडल हमारे पास हैं। चौथा भी अगर आप कहोगे तो हम उसके लिए भी आपको बनाकर दे देंगे। तो इसके पहिए भी आप देख सकते हो इसके मुकाबले में कितने बड़े हैं, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ इन दोनों को तो ये देख सकते हैं इसका पहिया, पीछे का पहिया आप देख सकते हो काफ़ी छोटा है, ये लगभग 3.5 इंची का पहिया है इसका और ये 5 इंची का नीचे वाला पहिया है जो बड़े ट्रैक्टर का है। और नीचे जो हमारा है वो ये, सॉरी, ये हमारा 2 इंच एक सूत का पहिया है और ये हमारा 1.5 इंच का पहिया है, ठीक है ना। तो ये इसमें फ़र्क है, तो यहाँ पर जो है इसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा है, इस वाले में काम थोड़ा ज़्यादा है और इसमें काफ़ी कम काम है। तो इसी हिसाब से इनकी ट्रॉली है, मैं इनके पास इनके आगे की तरफ रख देता हूँ। इसका ट्रॉली ये है और इसका ट्रॉली जो है हमारे पास ये है, और हमारे पास ये तीन ट्रॉली और बची हुई है। ये ग्रीन वाले की ट्रॉली हो गई है, ये आप देख सकते हो, और ये रेड वाले की ट्रॉली हो गई है और ये हो गई येलो वाले की ट्रॉली। तो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन रेड सॉरी ऑरेंज, और ये हमारे पास है येलो और ये हमारे पास आइसर येलो और ये है रेड, ठीक है ना। तो ये कितना अच्छा लग रहा है सिस्टम, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आप मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर अभी इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और व्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और सपोर्ट कीजिए हमें ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।